Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 13 hydrocarbon, and in hydrocarbon we have done all the part of benzene. हमने कर लिया सिर्फ जो लास्ट पोर्शन है दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. जो मैंने आपको फोर टाइप्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस कराई थी उनकी मैकेनिज्म रहती है, ठीक है. सो आज टुडे वी विल डू मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड द लास्ट टॉपिक इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग. तो ये हमें दो टॉपिक करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है. आपको मैं एक दो एग्जाम्पल बता दूंगी. सपोज ये है फ्लोरिनेशन है, तो इन दोनों से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा. नाइट्रेशन में इनसे बनेगा, सल्फोनेशन में इससे, एंड फिडर क्राफ्ट में इससे बनेगा. क्लियर, ठीक है. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा मैं आपको दिखा देती हूँ. सपोज मैं क्लोरीनेशन ही कर रही हूँ, क्लोरीनेशन तो कैसे होगी. फर्स्ट स्टेप में जब भी आप मैकेनिज्म को स्टार्ट करोगे यू हैव टू स्टार्ट इट विद द सेकेंड रिएक्टेंट एंड आपका कैटलिस्ट. क्लियर, ये रहा आपका क्लोरीन, क्लोरीन प्लस AlCl3, ओके, ठीक है. तो होगा क्या, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, और दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. मीन्स कैसे बन जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ओके. और अब क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा, क्यों, इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है, कहेगा मुझे टू इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे साथ बॉन्डिंग करो, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले जाएंगे. तो अब क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा बॉन्डिंग के लिए, भाई चौथा बॉन्ड जो बनेगा क्लोरीन का बनेगा, ओके, CN4 बन जाएगा, AlCl4. तो ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन ने अपने पास रखा,
नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बैलेंस। लेकिन एल्युमिनियम ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया ना एल्युमिनियम, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया कैसे होगा? तो अब इस रिएक्शन को आपने शो कैसे करना है, किस फ्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन लिए और इसके इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने ले लिए। बनने क्या वाले हैं? Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। क्लियर? सो दिस स्टेप इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर मेरा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल है क्या? द स्पीशीज विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? द स्पीशीज विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैटायन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आपने लिया है, सपोज दिस इज बेंजीन, ये है इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये डबल बॉन्ड के टू इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और ये वाला कार्बन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? वही अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज है वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो। क्लियर? ठीक है। और इसका एच में बाहर निकाल के रख देती हूँ, सबके पास CH होता है, इसका एच में बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो देखो क्या बनने वाला है, लेट अस सी क्या होने वाला है। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहां शो करना, ओके। और ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक यहां शो करना कि भाई ये यहां पर ये इसको ले लेगा, अटैच कर लेगा। क्या बनने वाला है? ये बॉन्ड तो खत्म हो गया, क्यों? दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए थे, फिर इसको दे दिए। ऐसा बन गया, जब क्लोरीन कप्स ने इसके ऊपर अटैक किया तो इसने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इन दो में से एक अपने पास रखा, एक क्लोरीन के पास, तो इसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड हो जाएगा, ऐसे बच जाएगा, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, उसको भी निकाल के बाहर कर लेना। तो क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है? HCl एंड पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज? ऑन कार्बन। तो ये क्या बन गया? कार्बो कैटायन। क्या बन गया? कार्बो कैटायन। अब यहाँ पर इस कार्बो कैटायन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हुए बाद में डिस्कस करूंगी। थर्ड स्टेप, इसका थर्ड स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब क्या होगा? प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, बट अपना जो बॉन्ड है, अपना इलेक्ट्रॉन किस कार्बन को दे देगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये उसको दे देगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। अब होगा क्या? ये बॉन्ड यहाँ आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस्ड है, इसने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन वाला तो इसके पास ही रहा, और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, वापस बन गया बेंजीन, क्लोरीन अटैच है इसके साथ, मीन्स क्लोरो बेंजीन बन गया और H प्लस निकल गया। यहाँ पर आपकी मैकेनिज्म खत्म होती है। लेकिन अगर फिर भी आप लास्ट स्टेप करना चाहो तो लास्ट स्टेप में यहाँ साइड में शो कर देती हूँ, क्योंकि प्लेस नहीं है कि ये जो H प्लस निकला है ये AlCl4 नेगेटिव इसके साथ कंबाइन करके AlCl3 बनाएगा और इसका एक HCl, एक क्लोरीन HCl, और क्योंकि इसने अपना Cl निकाल के बाहर कर दिया, Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर चार्ज बैलेंस्ड,
बाहर हो गया, जो हमारा साइड प्रोडक्ट था SCL वो भी बन गया। और ये है आपके 3 स्टेप। पहला क्या होगा, पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया है। ये कैसे बनाओगे, ये जो रिएक्शन हो रही है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो अटैच है वो आपने बनाना है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में उस इलेक्ट्रोफाइल को इस तरह बेंजीन रिंग में अटैच करना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल लेना और उस इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देना। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन को निकाल देना और क्लोरीन तो यानी इलेक्ट्रोफाइल तो वही रह जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और H+ बाहर हो जाएगा। आपकी रिएक्शन वैसे तो यही कंप्लीट होती है, अगर नहीं कंप्लीट हो तो H+ यहाँ से लेना, वहाँ से जो नेगेटिव आएगा उसको लेना, फाइनल कैटलिस्ट भी निकाल देना। तो ये आपका वे है रिएक्शन को, मैकेनिज्म को बनने का। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि बीच में इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेंगे, बताया था ना 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर लिया आपने, अगर ड्रॉ करते थे तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो आप इतना कर लोगे तो भी ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब ये कार्बन क्या कर रहा है, इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और क्योंकि इसने दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने लिया तो एक पॉजिटिव था तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको शो कैसे करोगे, ये बॉन्ड यहाँ क्या बनने वाला है, इसके ऊपर पॉजिटिव क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड यहाँ गया, HCl ऐसे बन गया, ठीक है। सेकेंड, अब इसके बाद क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड इसको दे दे, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके फॉर्म हो गए, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सेकेंड टाइम यहाँ एंड थर्ड टाइम यहाँ, इस तरह से आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस रिएक्शन को करके देख लो कि कैसे रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है। तो ये मैंने कराई है आपको हैलोजनेशन के मैकेनिज्म। एक रिएक्शन मैं आपको अब करा देती हूँ, ये तो सेम है, याद कर लोगे इसी की तरह, ठीक है। इसमें CH3 पॉजिटिव बनाना है, इन दोनों में से ये इजी है ये डिफिकल्ट है, ये करा देती हूँ नाइट्रेशन। तो हीटिंग मैंने हटानी नहीं है, बाकी सब एज इट इज रखना है, जो चेंज करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में मुझे इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, और इलेक्ट्रोफाइल कहां से बनेगा, इन दोनों से बनेगा। और क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, मींस मुझे NO2+ बनाना है। कैसे बनेगा, क्या लेना है, HNO3 प्लस H2SO4, ओके। तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ से होगा OH नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, ये बनेगा यहाँ से H पॉजिटिव एंड SO4 HSO4 नेगेटिव, यही तो बनेगा आयंस, देखो क्लियर। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, OH नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO3H नेगेटिव, तो ये मिल करके वाटर बना लेंगे। और क्या लग गया, NO2 पॉजिटिव एंड SO3H नेगेटिव, तो ये आप डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, बन गया इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, मुझे यही तो बनाना था एनोड। अब मुझे इसका अटैक करवाना है, कहाँ पर, बेंजीन रिंग में। तो देखो कुछ नहीं, बस मैं एनोड लाई, जहां पर CN है वहां पर मैं
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। इसके ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर एंड थर्ड टाइम पॉजिटिव चार्ज इधर। ओके, फाइनली थर्ड स्टेप क्या है कि हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। हो गया लास्ट स्टेप। अगर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ से क्या बचा है, नेगेटिव एंड ये बचा नेगेटिव एंड, तो एच प्लस प्लस एसओ थ्री एच नेगेटिव क्या बन जाएगा, एस टू एसओ फोर। मीन्स कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एज इट इज बाहर निकल जाता है, तो ये बन गया हमारा कैटलिस्ट। इजी है, बस ऐसे ही आपने रिएक्शन प्रोसीड करनी है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप इसकी प्रैक्टिस जो है अपने आप से करिए। ये जो दो रिएक्शंस बची हुई है कौन कौन सी, सल्फोनेशन की एंड फ्रीडेनक्राफ्ट की। सो दिस इज अ होमवर्क, अपना होमवर्क जो है आपने कंप्लीट करना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्टली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो Goodbye and have a nice day.